Hello everyone, in this tutorial we will learn about types of computer or you can say classification of computer. चाहे आपके एग्जाम में क्लासिफिकेशन आए या फिर टाइप्स, आपके आंसर सेम होंगे. ओके, नाउ टाइप्स ऑफ कंप्यूटर को हम तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है. फर्स्ट इज बेस्ड ऑन हैंडलिंग कैपेबिलिटी, कि डेटा को कैसे हैंडल कर रहे हैं. बेस्ड ऑन साइज, स्पीड एंड अदर पैरामीटर्स. एंड लास्ट इज बेस्ड ऑन पर्पस, कि किस पर्पस के बेस पे हम उसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं. ओके, नाउ फर्स्ट इज बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी. इसमें हम इसको थ्री कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं. वन इज एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर एंड हाइब्रिड कंप्यूटर. इस वाले ट्यूटोरियल में हम सिर्फ इन तीनों को कवर करेंगे, बाकी दोनों बेस्ड ऑन साइज एंड बेस्ड ऑन पर्पस को हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. ओके, बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ, बेस्ड ऑन साइज एंड स्पीड, जो भी उसकी एफिशिएंसी है उसके बेस पर हम उसको कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं. वन इज योर माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम एंड सुपर कंप्यूटर. एंड लास्ट इज बेस्ड ऑन पर्पस, कि जनरल पर्पस के लिए कंप्यूटर है या फिर स्पेशल पर्पस के लिए. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग टेक्निक. देर आर थ्री टाइप्स, डिजिटल, एनालॉग एंड हाइब्रिड कंप्यूटर. फर्स्ट इज डिजिटल कंप्यूटर. नाउ देखो, नाम से ही पता चल रहा है डिजिटल, दैट मीन्स उसमें हमारी डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी. आपको पता है डिजिटल सिग्नल कौन सा होता है, जिसमें या तो आपकी जीरो वैल्यू है या वन है. कि कॉन्टिन्यूस जो आपका होता था एनालॉग सिग्नल में, वो नहीं है. वी आर टॉकिंग अबाउट डिजिटल सिग्नल लाइक दिस, जो इसमें आपको एग्जाम्पल भी बना हुआ है, इधर जीरो और वन. ठीक है, सो वी कैन से दैट डिजिटल कंप्यूटर्स यूज डिस्क्रीट वैल्यूज. ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वो डिस्क्रीट वैल्यू यूज करेंगे. दैट मीन्स वो वर्क कर रहे हैं आपके डिजिटल सिग्नल्स पर रादर देन एनालॉग सिग्नल. ये हम सब ने इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर में भी किया था कि डिजिटल कंप्यूटर्स यूज करते हैं आपका बाइनरी नंबर सिस्टम, दैट इज ईदर जीरो और वन. मैंने आपको पहले भी बताया था हमारा कंप्यूटर जीरो वन के फॉर्म पे वर्क करता है. आप कोई भी इनपुट देते हो, हमें कन्वर्ट करना पड़ता है जीरो वन के फॉर्म पे, राइट? सो बाइनरी नंबर्स पर वर्क करेगा. नाउ इसके एडवांटेजेस क्या है, बेनिफिट क्या है. देखो, सबसे बड़ा बेनिफिट क्या होता है डिजिटल कंप्यूटर्स में, एक्यूरेसी. बहुत हाई एक्यूरेसी आपको मिलती है, एक्यूरेट डेटा मिलते हैं आपको. सो फर्स्ट एडवांटेज इज हाई स्पीड एंड एक्यूरेसी एज द डेटा इज प्रोसेस्ड डिजिटली. नेक्स्ट इज इट इज हाईली रिलायबल एज इट यूजेज एरर करेक्शन कोड. बस आपको इतना याद रखना है कि हाईली रिलायबल है. अब देखो, डिजिटल कंप्यूटर वो कंप्यूटर है जो हम यूज करते हैं, जो हमने देखे हैं अभी तक. ओके, उसमें एक बहुत ईजी सा तरीका होता है. आप कोई भी ऐप डाल सकते हो, कोई भी एप्लीकेशन डाल सकते हो. आपको आपका हार्डवेयर चेंज करने की जरूरत नहीं होती. लाइक आपके मोबाइल है, मोबाइल पे आप बहुत सारी एप्स डाउनलोड करते रहते हो. ऐसा नहीं है ना कि आपके एप्स की जो हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है आपको उसको चेंज करने की जरूरत पड़े. नो, बहुत ईजिली आप नए नए सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल कर सकते हो और यूज कर सकते हो. सो दिस इज डिजिटल कंप्यूटर जो हम यूज करते हैं, जो हमारे डेस्कटॉप लैपटॉप है वो इसमें आते हैं. अभी आप, मैंने बताया इसके एग्जाम्पल क्या है, आपके डेस्कटॉप लैपटॉप या फिर आपके स्मार्टफोन, ये सब आपके डिजिटल कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल्स हैं जो हम यूज करते हैं. नेक्स्ट इज एनालॉग कंप्यूटर. नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट. नाउ आपको क्वेश्चन होंगे एनालॉग कंप्यूटर क्या होते हैं, हमने तो आज तक सिर्फ यही देखे हैं डेस्कटॉप लैपटॉप. वो आपके डिस्क्रीट वैल्यूज पर वर्क नहीं करते हैं, जीरो वन पे वर्क नहीं करते. वो आपके वर्क करते हैं कॉन्टिन्यूस वैल्यूज पर, और यू कैन से एनालॉग सिग्नल पर लाइक दिस. कि ये आपने क्या हुआ, एनालॉग सिग्नल क्या होते हैं, सो वो उस पर वर्क करते हैं. देखो, एक चीज हमें याद रखनी है, जो हमारी रियल लाइफ में जो हम वैल्यूज देते हैं वो हमेशा एनालॉग सिग्नल्स के फॉर्म में लेते हैं. सो अगर आप डिजिटल कंप्यूटर यूज कर रहे हो तो वो पहले क्या करेगा, एनालॉग को डिजिटल में चेंज करेगा और फिर उस पर काम करेगा. ठीक है, बट एनालॉग कंप्यूटर क्या करते हैं, डायरेक्टली जो आपको एनालॉग इनपुट मिल रहा है उसी पर डायरेक्टली वर्क करते हैं. वो उसको जीरो वन की फॉर्म में कन्वर्ट नहीं करते हैं. एप्लीकेशंस क्या है एनालॉग कंप्यूटर के, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. वो यूज होते हैं आपके फ्लाइट कंप्यूटर. देखो, जो आपके
फ्लाइट्स होती हैं, जो आपके एरोप्लेन्स है उसमें भी कंप्यूटर लगा होता है. सो फ्लाइट कंप्यूटर्स में वो यूज होते हैं, या आपके शिप्स या सबमरीन्स हैं उसमें भी जो भी कंप्यूटर लगा होता है उसमें भी एनालॉग कंप्यूटर यूज होते हैं, और आपका जो स्पीडोमीटर है उसमें भी एनालॉग कंप्यूटर यूज होता है. ओके जहां भी, वैसे बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम जहां भी आपको ऐसे डायल बना हुआ है और वहां आपको एक रेंज दी हुई है कि कितनी आपके रेंज पे आएगी, वो आपके जनरली एनालॉग कंप्यूटर्स में आते हैं. नाउ एडवांटेजेस क्या है? देखो एनालॉग कंप्यूटर की सबसे बड़ी एडवांटेज है हाई स्पीड. इनकी स्पीड बहुत अच्छी होती है, क्योंकि अभी मैंने बताया रियल लाइफ में आपको जो इनपुट मिलता है, जो डेटा आप डालते हो, वो एनालॉग की फॉर्म में होता है. अब एनालॉग कंप्यूटर है वो डिजिटल में तो कन्वर्ट करना नहीं, उनको डायरेक्टली एनालॉग पे वर्क करते हैं, तो फिर इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए इनकी स्पीड अच्छी होती है. नो नीड ऑफ कन्वर्जन. एनालॉग डेटा पे डायरेक्टली आप एनालॉग प्रोसेसिंग अप्लाई कर रहे हो. दूसरी एडवांटेज क्या है? इट अलाउज रियल टाइम ऑपरेशंस एंड कंप्यूटेशन एट द सेम टाइम. आपको इनपुट मिला वो एनालॉग की फॉर्म में था इनपुट, जैसे ही आपको इनपुट मिला अब आपको कन्वर्ट तो करना नहीं उसको डिजिटल में, एनालॉग मिला है डायरेक्टली आपने उस पर अपनी प्रोसेसिंग स्टार्ट कर दी. ओके नाउ एग्जांपल्स क्या है एनालॉग कंप्यूटर के? अभी मैंने बताया आपको फ्लाइट्स में जो कंप्यूटर्स है वहां आपका एनालॉग कंप्यूटर यूज होता है. बेसिकली एक स्लाइड रूल होता है, स्लाइड रूल दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एनालॉग कंप्यूटर, वो ही आपका फ्लाइट्स में यूज होता है, स्लाइड रूल. एंड दीज आर ऑल्सो योर एग्जाम्पल्स ऑफ एनालॉग कंप्यूटर. दिस लास्ट वन इज योर स्पीडोमीटर, वो भी आपका एनालॉग कंप्यूटर का एग्जाम्पल है. सो दिस इज योर एनालॉग कंप्यूटर. नेक्स्ट इज योर हाइब्रिड कंप्यूटर. नाम से पता चल रहा है हाइब्रिड, दैट मीन्स एनालॉग कंप्यूटर प्लस डिजिटल कंप्यूटर, इन दोनों के कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर. आपने एक सेंटेंस सुना होगा, बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड. ये दोनों की जो भी एडवांटेजेस है वो हमने कंबाइन करके एक बेटर कंप्यूटर बनाया. ओके सो हाइब्रिड कंप्यूटर्स कंबाइन द फीचर्स ऑफ बोथ, दोनों के फीचर्स को कंबाइन करता है ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग कंप्यूटर. अब देखो आपको याद है एनालॉग में क्या था, स्पीड अच्छी थी, और डिजिटल में क्या था, एक्यूरेसी ज्यादा थी. इन दोनों को कंबाइन करके हम दोनों अचीव कर रहे हैं, स्पीड भी हमें अच्छी मिलेगी एक्यूरेसी भी ज्यादा मिलेगी इन केस ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर्स. इट कैन प्रोसेस बोथ कॉन्टिन्यूअस एंड डिस्क्रीट डेटा, सूटेड फॉर सिचुएशन वेयर डिजिटल प्रोसेसिंग ऑफ डेटा कलेक्टेड इन एनालॉग फॉर्म इज रिक्वायर्ड. कि एनालॉग फॉर्म में आपको डेटा मिला बट आपको उसको प्रोसेस करना है डिजिटल फॉर्म में, तो कन्वर्ट करके कर लेंगे. राइट नाउ इनकी एग्जांपल्स क्या हैं? दिस इज इम्पॉर्टेंट. यूज्ड इन हॉस्पिटल आईसीयू, वहां की डिवाइसेस में यूज होती है, क्योंकि हॉस्पिटल्स में आपको एक्यूरेसी भी चाहिए बहुत और स्पीड भी चाहिए, दोनों चीज चाहिए होती है. कोई भी एक चीज कम होगी तो हमारा बहुत नुकसान हो सकता है, सो वहां यूज होता है. साइंटिफिक लेबोरेटरीज में यूज होता है. नाउ पेट्रोल पंप पर भी हाइब्रिड कंप्यूटर यूज होता है. नाउ पेट्रोल पंप पे एक प्रोसेसर लगा होता है. देखो आप फ्यूल भरवा रहे हो, पेट्रोल डलवा रहे हो अपनी कार या बाइक में, अब वो तो देखो एक क्वांटिटी है, ठीक है, लीटर्स में डलवा रहे हो, बट वो आपको जो स्क्रीन पे दिखाई देता है वो डिजिटली दिखाई देता है, उसमें आपको नंबर्स में दिखाई देता है कि कितना पेट्रोल गया, कितने लीटर पेट्रोल गया और उसका क्या प्राइस हुआ. सो दैट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर. ठीक है, आपके डिजिटल स्पीडोमीटर, इलेक्ट्रॉनिक वेइंग मशीन, दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ हाइब्रिड कंप्यूटर. नाउ जो हमारे लैपटॉप हैं उसमें भी हमारे हाइब्रिड कंप्यूटर्स आ रहे हैं. अभी डेल एंड एप्पल ने भी अनाउंस किया हाइब्रिड कंप्यूटर, सो लेट अस सी व्हाट दे विल प्रोवाइड अस. ओके सो ये थे हमारे थ्री टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स बेस्ड ऑन डेटा हैंडलिंग कैपेबिलिटी, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड. इस ट्यूटोरियल में हम इतना ही करेंगे. नेक्स्ट ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि साइज के बेस पर क्या क्या डिफरेंस आएगा और हमारे यूज या एप्लीकेशन के बेस पर क्या डिफरेंस होगा. सो दैट वॉज पार्ट वन. इन नेक्स्ट ट्यूटोरियल वी विल कवर दिस होल टॉपिक. ओके सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी एनी टाइम.